गुड मॉर्निंग नाइन्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आज हम सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र में पार्ट दो संसाधन के रूप में लोग का आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम शिक्षा संबंधी सुविधाएं और शिक्षा क्यों जरूरी है तथा प्राथमिक शिक्षा से क्या क्या फ़ायदे हुए और सरकार ने किस प्रकार से शिक्षा को लेकर अलग अलग योजनाएं बनाई और शिक्षा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये सब बातें हमने पिछली वीडियो में जानी थी और समझी थी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य के बारे में किस प्रकार से जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर, जन्म दर और इसके क्या फ़ायदे हैं, स्वस्थ होना कितना जरूरी है, ये सब बातें आज हम पढ़ेंगे। स्वास्थ्य फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वास्थ्य श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? किसी भी व्यक्ति को अगर कार्य करना है तो उसका स्वास्थ्य अगर उसका साथ देगा तो व्यक्ति सफलतापूर्वक अपना कार्य संपन्न कर पाएगा। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की सबसे पहली प्राथमिकता है। शिक्षा के साथ साथ उस व्यक्ति का स्वस्थ होना भी अति आवश्यक है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों को विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। हमारा राष्ट्रीय नीति का जो लक्ष्य है वो भी यही सिद्ध करता है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है और इसी के आधार पर वो कार्य भी कर रहा है। तभी तो देखा जाए तो जो हमारे पिछले कई दशकों से अगर हम देख रहे हैं तो इन कार्यक्रमों को, इन निजी क्षेत्रों को अगर जनशक्ति को सरकार ने लागू किया है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर कुछ संबंधित वर्षों की स्वास्थ्य आधारित संरचना दी है जो शुरुआती 2013 से लेकर 2017 तक के आंकड़े दिए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी गई है, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, औषधालय अस्पताल की बात हो, बिस्तर सरकारी जो अस्पतालों में होता है वो, चिकित्सा सुविधाएं मतलब पूरी तरह से दी गई है और भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत डॉक्टर भी शामिल है इसमें, नर्सिंग कर्मी हैं और इसके अलावा और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर मंत्रालय द्वारा दी गई है और ये जानकारी हमें परिवार कल्याण मंत्रालय से मिली है। तो भारत में ऐसे स्थान हैं जिनमें से मौलिक सुविधाएँ अभी भी ना के बराबर है। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज है और 301 डेंटल कॉलेज है। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुछ कुल राज्यों में अधिक मेडिकल है जिनकी संख्या सबसे अधिक है। अब पढ़ेंगे हम बेरोजगारी। सकल की माँ शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। तो क्या आप शीला और जीतू सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। मतलब काम तो वो करना चाहते हैं लेकिन वो उस काम को पा नहीं सके। और इसके अलावा देखा जाए तो शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती और ना ही जीतू सीतू शीला को बेरोजगार हम कह सकते हैं। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल होते हैं जिनकी उम्र कितनी होना चाहिए? 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच। सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है,
वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है। उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी हम बेरोजगार नहीं कह सकते। अब बेरोजगारी भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है मौसमी प्रच्छन्न बेरोजगारी, दूसरी शिक्षित बेरोजगारी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत के संदर्भ में ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर पाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में भी और नगरीय क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः कौन सी बेरोजगारी मिलती है? शिक्षित बेरोजगारी। अब पढ़ेंगे हम मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे कहने के लिए हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि कृषि कार्य में, कृषि पर जो आश्रित होते हैं लोग, वो आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते रहते हैं। कौन सी समस्या? मौसमी बेरोजगारी। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब वो क्या कर सकते हैं, बुआई, कटाई, निराई और गहराई, ये काम वो कुछ समय के लिए ही कर पाते हैं, और कुछ विशेष महीनों में तो कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है। तो इसे हम कह सकते हैं मौसमी बेरोजगारी। अब आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ही मौसमी बेरोजगारी है, लेकिन इसका क्या अर्थ है यहाँ पर वो देखेंगे हम, कि इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है, जमीन होती है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है, जो कृषि कार्य में लगे हुए होते हैं। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि किसी काम में कितने लोगों की आवश्यकता हो रही है? 5 लोगों की, लेकिन उसमें 8 लोग ही लगे होते हैं। काम कितने लोगों से हो रहा है? 5, लेकिन फिर भी उसमें कितने लोग लगा दिए जाते हैं? 8 लोग। इनमें 3 लोग अतिरिक्त होते हैं। ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। अब इन तीनों द्वारा किया गया जो अंशदान है, वो 5 लोगों द्वारा किए गए अंशदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में भी कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लगाए गए हैं, तो ऐसे में वो कौन सी बेरोजगारी कहलाएगी? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाएगी। अब ये बात हुई मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी की। अब आगे हम पढ़ेंगे कौन सी बेरोजगारी? शिक्षित बेरोजगारी। तो शहरी, जो शहरी क्षेत्र है उसमें इस तरह के मामले देखना एक सामान्य सी बात है। मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक है और वो तेज़ी से बढ़ भी रही है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। अगर देखा जाए तो तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी अधिक है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी के कारण भी ये बेरोजगारी देखने को मिलती है। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। अगला हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।